के रोहतक के सुनारिया जेल में साध्वी यौन शोषण छत्रपति व रणजीत हत्याकांड में उम्र की सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम ने अपने प्रेमियों को 11वीं चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में राम रहीम ने बागपत आश्रम में 30 दिनों के पैरोल अवधि में बिताए पलों की यादगारी बताकर अपने प्रेमियों के साथ साझा की है। आपको बता दें कि राम रहीम प्रेमियों को भगवान से सुर्खियां दिलाने के दावे कर रहा है, साथ ही लंबी बीमारी के लिए किसी चिकित्सक के दिमाग में दवा बनाने के लिए नुस्खा पैदा करने की प्रार्थना भगवान से की। इतना ही नहीं, राम रहीम ने केंद्र और राज्य सरकार के हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान भी किया। आपको बता दें कि राम रहीम ने चिट्ठी की शुरुआत में यूपी के बागपत आश्रम में बिताए 30 दिनों की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि सबके दर्शन करके हमें बड़ी खुशी हुई। जब आप लोग ऑनलाइन गुरुकुल से जुड़ते थे तो सबको बड़ी खुशी होती थी। आप लोगों को सज धज कर बैठना, नाचना, गाना कमाल था। परमात्मा आप सब पर कृपा दृष्टि की मूसलाधार वर्षा करे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।